परफेक्टली इंग्लिश में बात करने के लिए और इंग्लिश सीखने के लिए तुमको जो करना है वो है डेली मिनिमम 1 घंटा करके इंग्लिश सुनना और इंग्लिश में कुछ भी कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस करना। क्या तुम ऐसे प्रैक्टिस करते हो? अगर तुम नहीं करते हो तो आज अभी से ही शुरू कर दो। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग रोज इंग्लिश बोलना सुनेंगे कहाँ से? हम लोग तो जहाँ पे रहते हैं कोई इंग्लिश बोलता ही नहीं है, सब लोग हिंदी में ही बात करते हैं। इसी कारण के वजह से हम लोग चाह के भी इंग्लिश बोलना और इंग्लिश सुनना प्रैक्टिस नहीं कर सकते। यस, दिस इज द मेन प्रॉब्लम दैट यू कांट स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली। हम लोग सभी के पास तो एंड्रॉयड फ़ोन है और तुम जानते भी हो मोबाइल के प्ले स्टोर में कई तरह की ऐप मिलता है जहाँ से इंग्लिश लिसनिंग प्रैक्टिस और इंग्लिश बहुत अच्छा से सीखा जाता है। ये बात बेशक सच है, लेकिन तुम तुम्हारा मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके हाउ टू लर्न इंग्लिश बोल के लिखोगे तो तुम्हारे सामने हजारों ऐप आ जाएगा। यहाँ पे तुम कन्फ्यूज हो जाओगे क्योंकि तुमको कैसे पता लगेगा कौन सा ऐप तुम्हारा इंग्लिश सीखने के लिए और इंग्लिश लिसनिंग प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा होगा। अगर तुम इस सभी ऐप को एक के बाद एक डाउनलोड करके ट्राई करते रहोगे तो ऐसे ही 5-6 महीना गुजर जाएगा और तुम्हारा इंग्लिश बिल्कुल इम्प्रूव नहीं होगा। आज मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरा पसंद का 10 बेस्ट एंड्रॉयड ऐप तुम लोगों के लिए चूज करके दिया हूँ। इनके अंदर से कुछ ऐप को तुम चुन के आज अभी से ही इंग्लिश लिसनिंग प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। चलो फिर देख लेते हैं। मैं इस वीडियो में जो 10 ऐप के बारे में बताऊंगा उस सभी ऐप को तुम्हारा फोन में इंस्टॉल करने के लिए कोई पैसे नहीं लगेगा, अर्थात बिल्कुल फ्री है। मेरा पसंद का पहला ऐप को इंस्टॉल करने के लिए तुमको प्ले स्टोर में जाके लिखना पड़ेगा ब्रिटिश काउंसिल पॉडकास्ट। ये लिख के तुम सर्च करने के बाद तुम्हारा सामने आ जाएगा मेरा पसंदीदा ये ग्रीन कलर का ऐप। इस ऐप के अंदर 4-5 सीरीज है और टोटली 70-80 इंग्लिश कन्वर्सेशन दिया गया है। और तुम अभी से ही रोज कम से कम एक पॉडकास्ट को दिन में अधिक बार सुनना प्रैक्टिस करो और तुम सुनने के साथ साथ ट्रांसक्रिप्ट भी पढ़ सकते हो। तुम अभी से ही सीरीज 1 से सुनना स्टार्ट करो, सुनने के साथ साथ अकेला बोलना भी प्रैक्टिस करो। अगर तुम ऐसे ही 1 मंथ प्रैक्टिस करोगे तो तुम खुद ही देख सकते हो तुम्हारे अंदर के चेंजेस क्या हो रहा है। इंग्लिश लिसनिंग प्रैक्टिस करने के लिए मेरा पसंद का दूसरा ऐप है ब्रिटिश काउंसिल ग्रेट वीडियोस। यही लिख के प्ले स्टोर में सर्च करोगे तो पहले ही आ जाएगा ये ऐप। इस ऐप के अंदर ट्रांसक्रिप्ट के साथ ऑलमोस्ट 24th वीडियो दिया गया है। इस वीडियो के अंदर ग्रेट ब्रिटेन के बारे में कंट्रीसाइड, इंग्लिश लैंग्वेज, ग्रेट मैन, हेरिटेज, लिटरेचर, म्यूजिक, स्पोर्ट और भी बहुत कुछ के बारे में डिटेल्स में जान सकते हो। अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन दिस इज द बेस्ट ऐप फॉर प्रैक्टिस लर्निंग इंग्लिश। मेरा पसंद का थर्ड ऐप को इंस्टॉल करने के लिए तुम्हारा एंड्रॉइड प्ले स्टोर में टाइप करना पड़ेगा लर्न इंग्लिश एंड लिसनिंग योबीमी। इस ऐप के अंदर ट्रांसक्रिप्ट के साथ 5-6 मिनट का काफी कॉन्वर्सेशन दिया गया है। सभी कॉन्वर्सेशन हेडफोन यूज करके सुनोगे तो तुमको इंग्लिश सीखने में बहुत मदद करेगा। मेरा पसंद क्या हुआ, चौथा ऐप को इंस्टॉल करने के लिए तुम्हारा प्ले स्टोर में जाके लिखना पड़ेगा लर्न इंग्लिश विद ऑडियो। इस ऐप के अंदर ट्रांसक्रिप्ट के साथ स्मॉल टॉक, कॉलेज लाइफ, ब्लूडिंग, सोशलाइजिंग, डेटिंग, यूनिवर्सिटी लाइफ, शॉपिंग, डेली लाइफ और भी बहुत कुछ के बारे में इंग्लिश कॉन्वर्सेशन दिया गया है। इंग्लिश लिसनिंग प्रैक्टिस करने के लिए मेरा डजन में एक बहुत अच्छा ऐप है। 5th नंबर में जिस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए सजेस्ट करेंगे उस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए तुम्हारा प्ले स्टोर में जाके सर्च करना पड़ेगा इंग्लिश कन्वर्सेशन प्रैक्टिस। ये एक इंग्लिश लिसनिंग प्रैक्टिस और इंग्लिश कन्वर्सेशन प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा ऐप है मेरे नज़र में। 6th पोजीशन में जिस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए सजेस्ट करेंगे उस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाकर सर्च करना पड़ेगा 500 इंग्लिश कन्वर्सेशन। इस ऐप के अंदर 500 से भी ज़्यादा इंग्लिश कन्वर्सेशन दिया गया है जो तुम्हारा इंग्लिश लिसनिंग प्रैक्टिस के लिए बहुत यूजफुल होगा। ये सभी कन्वर्सेशन मैं भी बहुत बार सुना हूँ और बहुत हेल्प भी हुआ है मेरा। मेरा पसंद का 7th ऐप है लिसनिंग इंग्लिश डेली। यहाँ पे काफी नेटिव स्पीकर का इंग्लिश कन्वर्सेशन दिया गया है। तुम हर रोज हेडफोन लगा के इस सभी कन्वर्सेशन को सुनो, इंग्लिश लिसनिंग प्रैक्टिस करने के लिए बहुत यूजफुल होगा। मेरा पसंद किया हुआ नेक्स्ट ऐप है इंग्लिश लिसनिंग एंड स्पीकिंग। यहाँ पे भी पहले की तरह ही काफी नेटिव स्पीकर का इंग्लिश कन्वर्सेशन दिया गया है और खास बात है कि इस ऐप की मदद से तुम इंग्लिश स्पीकिंग भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरा पसंद किया हुआ 9th ऐप है स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। यहाँ पे भी तुम काफी नेटिव स्पीकर का इंग्लिश कन्वर्सेशन सुन सकते हो और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तुम इंग्लिश कन्वर्सेशन सुन के इंग्लिश बोलना भी सीख सकते हो। आखिर में जिस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए सजेस्ट करेंगे उस एप्लीकेशन का नाम है लर्न इंग्लिश विद एको। ये एक इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही अच्छा ऐप है क्योंकि यहाँ पे तुम इंग्लिश रोबोट के साथ रिटेन और वॉइस चैट कर सकते हो। मेरे नज़र में एक बहुत अच्छा ऐप है इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए। और ये सभी आपको तुम्हारा मोबाइल में इंस्टॉल करने के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल मुफ्त में है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा थोड़ी सी भी हेल्प हुआ है तो वीडियो को कृपया लाइक कर दो क्योंकि तुम्हारा एक लाइक से हम लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है ऐसा काम करने में। और वीडियो को सभी के साथ शेयर करके तुम्हारा दोस्त, रिलेटिव, जान पहचान वाला सभी के साथ शेयर करके
उनको भी सीखने का मौका कर दो। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि जब भी हम लोग नया वीडियो अपलोड करें तुमको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, कोई सुझाव, कोई कमेंट, किस बारे में वीडियो देखना चाहते हो, क्या तुम्हारा रिक्वायरमेंट है, इस बारे में कमेंट करना हो तो कमेंट करके बोल सकते हो।